पॉडकास्ट मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आपका गुड लक राशिफल सिर्फ एस्ट्रो पर। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ साथ हम आपको बताते हैं राशि अनुसार उपाय। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। राशिफल के बीच में आपको बताएंगे बर्थडे का गुड लक उपाय और प्रोग्राम के लास्ट में आपको बताएंगे आज का महा गुड लक उपाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो आज बुधवार का दिन है, तारीख है 6 नवंबर 2019, कार्तिक शुक्ल दशमी पर चंद्रमा कुंभ राशि और शतविषा नक्षत्र में रहेंगे। राहु काल रहेगा दोपहर को 12:05 से लेकर 1:26 तक। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम। रवि योग रहेगा सुबह 6:40 से लेकर के अगले दिन सुबह 2:20 तक। पंचक रहेंगे दिन रात और विशेष क्या है, जगत धात्री पूजा है, विशेष दिन है। आइए दिन को बेहतर बनाने के लिए अब जानते हैं आज का गुड लक उपाय क्या है। हर क्षेत्र में जीत के लिए आप क्या करें, देवी दुर्गा के निमित्त घी का दीपक जलाकर ह्रीं दुम दुर्गा ये नमः इस मंत्र का जाप करें। तो चलिए बात करते हैं राशि नंबर 1 मेष यानी कि एबीसी। किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में कुछ नुकसान होने के भी योग हैं, थोड़ा सावधान रहें। घर से निकलने से पहले आज जिस किसी को भी आप मानते हैं अपने इष्ट देव उसको याद करें और दायां पैर घर के बाहर निकालें और एक छोटा सा उपाय जरूर करें, हरे नीले शेड के कपड़े पहनें। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। आज आपके प्रोफेशन में कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, धन लाभ के योग बने हुए हैं और रोजगार के अवसर तलाश रहे जो लोग हैं उनको अच्छा अवसर मिल सकता है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए, हरा पत्ता तकिए के नीचे रख दीजिए कोई भी। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन यानी कि जमुना की। आज आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे तो आपको फायदा होगा। आज कोई बड़ा काम करने से पहले घर के जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लें, राय जरूर लें। यात्रा की वजह से आज थोड़ा सा थकान रहेगी आपको, एक छोटा सा उपाय करें, पूजा घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। बात करते हैं राशि नंबर 4 कर्क यानी कि कैंसर की। आज आपके रुके हुए सभी काम पूरे होने के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में तरक्की के भी योग हैं, संतान पक्ष भी मजबूत रहेगा और सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा से इजाफा होगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहेगा, एक उपाय करें थोड़े से पिस्ते खा लीजिए। बात करते हैं पांचवी राशि सिंह यानी कि मेरू की। आज धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके, विदेश जाने के भी नियर फ्यूचर में आपके योग बनते हैं, सप्लाई भी बनेगा आपको। धार्मिक कामों में आपकी जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। आज नहाने के बाद में दुर्गा का ध्यान करते हुए बस थोड़ी सी पूजा कर लीजिए, सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। एक छोटा सा उपाय करें, जेब में 5 रुपये का सिक्का रखें। बात करते हैं छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की। आज कारोबार में नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको, किसी बात को लेकर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। आज फैमिली मेम्बर्स के साथ में कुछ कहासुनी हो सकती है, आज एक छोटा सा काम करें, गाय को थोड़ी सी रोटी जरूर खिलाएं, दिन अच्छा गुजरेगा आपका। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, मीठा पान खाएं, एनर्जेटिक फील करें। तो अब समय है बर्थडे के गुड लक उपाय का, क्या करें आप, देवी दुर्गा पर जायफल चढ़ाकर पूजा घर में रख दीजिए, इससे आपकी जितनी इच्छाएं हैं ना वो जरूर पूरी होंगी। बात करते हैं सातवीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की। आज दिन बेहद अच्छा गुजर सकता है आपका, किस्मत आपका साथ दे रही है, हर काम में आपको और हर फील्ड में आपको तरक्की मिल सकती है। धन लाभ का योग बन रहे हैं, आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होने के योग है, एक छोटा सा उपाय जरूर करें। आज तकिए जितने हैं, पिलोज जितने हैं, उनके जो बेड कवर्स हैं या जो आपके पिलो कवर्स हैं वो थोड़े से हरे शेड के रखें, बहुत अच्छा फायदा होगा। बात करते हैं आठवीं राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। आज कारोबार क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको धन लाभ हो सकता है। परिवार के साथ आज कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी बात पर फैमिली मेंबर से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। आज आपका लाइफ पार्टनर आपकी इच्छा को पूरी कर सकता है किसी और उपाय के तौर पर क्या करें, उत्तरमुखी होकर घर से निकलें। बात करते हैं नवी राशि धनु यानी कि सजिटेरियस की। आज कार्य क्षेत्र में आपके काम की वजह से आपको तारीफ मिलेगी, नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज फॉरेन ट्रेवल के भी योग बनते हैं या नियर फ्यूचर में बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा प्लान बनेगा। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, एक छोटा सा उपाय जरूर करें, सूखा धनिया के दाने पानी में बहा दीजिए। बात करते हैं दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। आज आपका कोई फ्रेंड जो है आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, कार्य क्षेत्र में भी दुश्मन आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। दोस्तों की बातों में आने की बजाय खुद पर यकीन करें, उपाय जरूर करें, धार्मिक चित्र पर सुपारी चढ़ाकर पानी में बहा दीजिए। बात करते हैं ग्यारहवीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की।
आज हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, भारी खाना खाने से बचना है। आज फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी बात को लेकर कुछ टेंशन भी हो सकती है, बस अपनी भाषा पर ज़रूर कंट्रोल रखें और पॉजिटिव रहें। एक उपाय ज़रूर करें, हरे शेड के कपड़े पहनकर घर से निकलें। बात करते हैं बारहवीं राशि मीन यानी पाइसेस की। अगर किसी बिजनेस की शुरुआत अगर करने की सोच रहे हैं तो आज शुरू कर सकते हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। आज घर पर मेहमान आ सकते हैं जो आपके लिए खुशखबरी लेकर आएंगे और आज आपका हेल्थ भी आपकी अच्छी बनी रहेगी। उपाय ज़रूर करें, कांच के बर्तन का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, अब समय है आज के स्पेशल गुड़ उपाय। क्या करें आप, देवी जगद्धात्री पर मसूर चढ़ाकर पीपल के नीचे रख दीजिए, इससे जीवन में सुख शांति रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।